गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, जो फैसिलिटी अमीर लोगों के लिए है। हमारी फैमिली में तो कोई कौशल विभाग में है नहीं है, फिर हमारे क्यों राशन कार्ड कटे, हमारे क्यों नहीं आयुष्मान कार्ड बने? जो गरीब है उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, ये आधा बजादा ऐसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई काम एज नहीं गाँव का अच्छा हो रहा। जो दुर्दशा करी हुई सुनने लगे गाँव बढ़ के 2018 में हमें पैसे मिले होते, कितनी वैल्यू हो गई जनाब? 24 हो गए। तुम्हारे दिल को पूछो, देखो हमारी जमीन को आ रही है। एक दिन मैं ऐसे कितने फुटी होकर मेरी नाक भी जो है टूट गई मेरी। पार्क्स नहीं डेवलप होते हैं बावजूद इसके कि हम काफी चक्कर भी काटे हैं हमने। वो घर की सफाई बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम बार बार चक्कर काटते हैं दफ्तरों के कि ये घर हमारी पॉल्यूट हो रही है। देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि लोकसभा का प्रथम चरण का इलेक्शन शुरू हो चुका है और हमने आपको जीरो लेवल रिपोर्ट, जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, वो चंडीगढ़ की भी दिखाई और आज सुबह से अर्थ प्रकाश की टीम कालका में भी गई और बुढ़नपुर में गई और आज शाम को हम पंचकुला के ऐतिहासिक गाँव नाडा साहब के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर साथ लगता सेक्टर है सेक्टर 31 और इसमें RWA के जो अध्यक्ष है हमारे बीच में रशम मलिक जी हैं और चेयरमैन है जाखड़ साहब और पंचकुला के जितनी RWA है उनके ऊपर एक संस्था काम कर रही है फोरा। फोरा के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे बीच में श्री RP मल्होत्रा जी और गांव की तरफ से ये आप देखिए ये शहर है ये गांव है और गांव की तरफ से हमारे बीच में बिंदर जी हैं, गुरिंदर जी, जस्सी जी हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट की कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ प्रकाश वो प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर एक आम इंसान, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एक आम इंसान की जो भूमिका होती है वो लीडर की भी नहीं होती, क्योंकि आम इंसान ही एक लीडर बनाता है। और हमारे बीच में सबसे पहले बात करेंगे हम रेशम मलिक से, मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। अरे आगे आइए कोई ना। सबसे पहले आपको मुबारकबाद RWA के आप यहाँ पर अध्यक्ष बने सेक्टर 31 के। थैंक यू जी। तो आप हमें ये बताइए कि आपके सेक्टर में सरकार ने कौन सा एक बड़ा काम किया, पहले वो बताइए आप। इधर बहुत अच्छा एक कम्युनिटी सेंटर बना है हमारा, अभी वो थोड़ा उसमें और वर्क होना बाकी है बट काफी अच्छा है वो हमारे लिए, सबके लिए, फॉर विलेज एंड सेक्टर बोथ के लिए अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छा काम हुआ है अभी तक का हमारे सेक्टर में और बाकी तो बहुत सारे काम अभी होने बाकी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका वो कौन सा काम है जो पिछले 5-10 साल में जब सरकारें भी थी, MP भी आपके थे, MLA भी थे, वो काम नहीं हो सका, वो बताइए। एक तो डिस्पेंसरी नहीं बन सकी आज तक हमारे सेक्टर की। डिस्पेंसरी है तो है आपके? नहीं, हमारे सेक्टर की अलग डिस्पेंसरी अलॉटेड है। वो अभी हमारी वो बनी नहीं है। पार्क्स नहीं डेवलप हुए हैं बावजूद इसके कि हम काफी चक्कर भी काटे हैं हमने अथॉरिटीज के, तो पार्क्स डेवलप नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सेक्टर में बहुत ही खूबसूरत घग्गर नदी जाती है पीछे से, वो घग्गर की सफाई बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम बार बार चक्कर काटते हैं दफ्तरों के कि ये घग्गर हमारी पोल्यूट हो रही है, सफा। यानी पोल्यूट होने का क्या कारण है, पहले कारण ये है कि प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल नहीं है। MC डोर टू डोर वैन आ रही है हमारे सेक्टर में, मगर वो गांव में पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि गांव में वो लेन्स में नहीं जा पा रहे हैं और वो वेट भी नहीं करते बाहर के लोग आकर उनको अपना घर का कचरा देकर जा सकें, तो ना तो वेट हो रही है ना वो डोर टू डोर जा रहे हैं, उसकी वजह से गार्बेज को साइड्स पे डाल दिया जाता है और फिर वो बहके, बारिश आती है तो वो बहके नहीं बड़ी नदी के साथ मिल जाता है। तो आपने क्या इस बारे में प्रशासन से बात की है? जी जी जी। भी प्रशासन में किस ऑफिस पास गए हो आप? MC इरिगेशन डिपार्टमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब लग रहा है सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे जाने का वक्त आ गया है क्योंकि आपने ये बात कही है, इन्होंने एक बात कही है कि आप MC के पास भी गए हो, हाँ जी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी गए हो, हाँ जी, तीसरा किसके पास? इरिगेशन के पास, इरिगेशन के पास। तो ये आप हमें बताइए कि ये, क्योंकि आपका तो ये MC है यहाँ से, हाँ जी, तो ये MC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? MC के अधिकार क्षेत्र में आता है। MC ने हमें डोर टू डोर भटकाया है कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं,
तो अब हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, जहाँ से हमारी अपील सुन ली जाए हमारे लिए वो अच्छा होगा। हमारी एक बहुत ना बेसिक समस्या है, हमारा घर है ये जो बरसाती नाला है इसके बिल्कुल लगते हुए हैं, और जैसे बरसात आती है तो हमारे घर की दीवार के पीछे से पानी टच होके जाता है। ये बहुत अच्छा मैटर उठाया इन्होंने, यही एक मैटर होते हैं जो जमीन लेवल के मैटर होते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा मैटर उठाया, काबिले तारीफ है जी। आपने अर्थ प्रकाश के पेट पाने पे आपने बताया लेकिन वो सोलो भी होगी। आप बताइए क्या मैटर बताया। हमारे जैसे दीवार पे पानी लगता है, मेरे पूरे बेसमेंट पानी की भर गई और हमारे पूरे घर में करंट आ गया था। अच्छा जी, मतलब हमें पूरी अपनी लाइट के कनेक्शन काटने पड़े, सारा सब कुछ। हम ऐसे अंधकार में बैठ गए थे कम से कम भी 4-5 दिन के लिए। अच्छा, तो ये जो है इसका कुछ बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। अच्छा, भाई जो अगर हमारे घर ही गिर जाएंगे, पूरी जिंदगी की कमाई लगाई हुई, तो फिर क्या ही होगा। प्रधान जी आपकी नोटिस में है ये बात, तो आप इनका मुद्दा भी उठाना। हाँ जी, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी पास हो चुका है, ये अब होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे, अब आते हैं हम गांव की तरफ। हाँ जी, आइए आइए गुरविंदर जी। गुरविंदर जी हमारे बीच में हैं, ये गांव नाडा के रहने वाले हैं। ओ आइए गुरविंदर जी, इधर आइए आप। आप ये बताएं कि गांव में, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि हेल्थ और एजुकेशन, आपके गांव की हेल्थ और एजुकेशन किस तरह की है? मैं तो जरा सच बोलूंगा। सच बोलो। हाँ। देखो ऐसे है, सुनो ऐसे है, ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है, लोगों के लिए अप्लाई हमने किया है कि ताकि ये यहाँ पर आकर अपनी दिल की बात रख सके, अपनी समस्याएं रख सके और हम आपकी समस्या प्रशासन तक पहुंचा सके। अब बोलिए, बेधड़क होकर बोलिए आप। सबसे पहले बोलता हूँ मैं स्टडी के बारे। हाँ जी, हमारे गांव की यहाँ जमीन है, दो जगह एक स्कूल बना हुआ है। अच्छा, एक पुरानी हमारी जगह 1962 से जब से जमाबंदी बनी थी। अच्छा, पूरे एक किले में हमारा स्कूल बना हुआ है। अच्छा, रोड NH में आ गया, उसमें 8-20। 4 बीघे जमीन हमने 2 साल हो गए, गांव वालों ने काम प्रशासन कर रहे, गांव वाले 2021 से चल रहे हैं, हमने उसकी निशानदेही करवा के। अच्छा, पटवारी से रिपोर्ट करवा के, कानूगो से करवा के, निशानदेही करवा के, डीसी साहब से ऑर्डर करवा के। अच्छा, उसकी रिपोर्ट हमने डिपार्टमेंट को दी थी। कौन सा डिपार्टमेंट? इसकी डी साहब से कह के हेल्थ अपने सॉरी रेवेन्यू के रिपोर्ट करवा के हमने डी साहब को जमा करवाई थी। अच्छा, डिपार्टमेंट काम खुद हम कर रहे हैं गाँव वाले। उसके में मुझे मेरे इतनी अड़चन आई ना मेरे को, उसमें मैं आगे निकला था कि गांव का करवाना तो भाई बदनामी तो आएगी, सीधी बात है जी। तो जिन बंदों ने कब्जा कर रखा है उनकी FIR दर्ज कर रखी है, और प्रशासन ने हमारे यहाँ खुला दरबार लगा था सेक्टर 23 में 8 महीने पहले। अच्छा, गुप्ता जी हमारे स्पीकर साहब, मैंने उनको बेनती करी तो मैंने बताया था, तो उन्होंने उनके ऑर्डर से ऐसी बात उनकी FIR दर्ज हो गई है जिन्होंने स्कूली जगह दोबार रखी है। लेकिन उसमें एक थोड़ी मैडम हमारी प्रिंसिपल है कि बात सच्ची क्या नहीं है, वो भी थोड़ी मिसबिहेव कर रही है। अच्छा जी, मैडम उसका नाम क्या है मैडम का भाई, जो प्रिंसिपल है छोटी स्कूल की, क्या बत्रा? अच्छा, कैसा नाम उसका मैडम का? बत्रा मैडम का नाम है। अच्छा, वो थोड़ी मिस कर रही है। तो कहने का मतलब ये है जी, हम 2 साल से गाँव वालों ने निशानदेही करवा, रिपोर्ट करा के, डी साहब से मार के जमा करवा दी है, लेकिन आज तक स्कूल खाली नहीं हुआ है। मैं वहाँ पर गया स्कूल में, मुझे BU साहब की मैडम थी संध्या शिकारा, वो मैडम बहुत अच्छी थी, उनकी बदली हो गई है, दुख अच्छी को तो अच्छा कहेगा। उन्होंने कह के मैडम का प्रेशर पा के तो उसी इनके ऊपर FIR दर्ज कराई। उसके बाद सेक्टर 23 में जो गुप्ता साहब के ऑर्डर से सर हो गया था, बल्कि आज तक वो स्कूल खाली। यानी आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ के नेता काम कर रहे हैं, अफसरशाही हावी है? नहीं, मैं दो मिनट मुझे दो सर बताता हूँ आपको, अब जब बताने लगे हैं। हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो जरा मेरे ऊपर 3 हो गए मेरे ऊपर उसमें हमले। सेक्टर 23 में मैंने वहाँ स्पीच दी तो बाहर आकर मुझे मारने की धमकी दी गई है। मैंने FIR दर्ज करवाई है और SP साहब के पास दी है जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं। उसके बाद BO मैडम ने मुझे सेक्टर स्कूल में बुलाया, वहाँ BO मैडम, DO मैडम, सारा स्कूल आया। वहाँ मुझे पहुँचने के बाद जिन्होंने बंदों ने जवाब रखी है, 5 मुझे मारने की धमकी दी फिर आके स्कूल प्रशासन के सामने। वो प्रिंसिपल नहीं बोली कोई, मैडम जो संध्या शिकार है वो बाद में आई है। मैंने फिर लेकिन फोटो खींच ली स्कूल में, मेरे साथ धक्का धमकी कर रहे थे वो फोटो खींच के, और मैंने जो सारे क्लाइंट है जिन्होंने दबा रखी है उसकी FIR दर्ज करा के मैंने इसी हिसाब से थाने में रखी है। तो अब कहाँ पर मैटर है? मैटर जरा खाली नहीं है तक कोई वो। अच्छा, स्कूल की जगह हमारे बच्चे चंडीगढ़ तक धक्के खा रहे हैं, बार बार धक्के खा रहे हैं। गुप्ता साहब ने स्पीकर साहब हमारे मानते हैं, हमारे अच्छे वो काम कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं करते। हमारा कम्युनिटी सेंटर बना है, बल्कि मैंने CM बेडो जरा कमरे डाली थी 9 साल पहले कामों के, हमारे तो अपने डिपार्टमेंट मेरे पास है CM बेडो कमरे के बाद, अपने
हमारे एक्शन साहब है, पैलेस बहुत नाइस बंदे हैं जी, डेवलपमेंट अच्छी करवाते हैं और अफसर भी आए जो उनके काम करवाने हमने, वो भी उनकी जैसे रोड बनाया सेक्टर का उसमें सहयोग किया। तो आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि इस सेक्टर में आपके नड्डा गांव में कौन सा काम सरकार ने अच्छा किया? डिस्पेंसरी बताता हूँ जनाब मैं आपको, हमने सर्वे करवा के, मैंने खुद जनाब मैं ये नहीं करते कि वो करता हूँ हवा में उड़ता हूँ जी, मैंने वो अपलिशन दी थी हमने 10 साल पहले, स्पीकर साहब से लिखवा के हमने गाँव वालों ने, उसमें हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर को दी थी, उस पूरे डिपार्टमेंट डी टी पी साहब को दी थी, एक तो हमारी फिरने का मसला था। अच्छा जी। वो उन्होंने कहते भी बनाओ गांव के बारे, उसके बाद हमारी ये थी डिस्पेंसरी की जगह, डिस्पेंसरी का प्रपोजल बन चुका है, ये हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा जी। सेक्टर 6 में मैंने पहले साहब एक्शन साहब ने मुझे दिया था कागज, तो मैं डॉक्यूमेंट उनको सेक्टर 6 में पिछले साल देके आया था, प्रपोजल तैयार हुआ है लेकिन अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ है। चलो वो तो कोर्ट ऑफ नहीं, स्पीकर साहब की इज्जत करते हैं, डिस्पेंसरी काम उन्होंने करवाया है, कम्युनिटी सेंटर बन गया, सड़क निकली वो नहीं करते, लेकिन हमारा जो गाँव का मेन काम था जनाब, हमारी जमीन एक्वायर हुई सेक्टर 31 और 22-23 की, मैं मेन चढ़ पे जाता हूँ, 18 के हमारे ऑर्डर हो चुके हैं, हाई कोर्ट से हम खेज चुके केस, हमें कहते हैं तो आपको पैसे नहीं देने हैं, आप प्लॉट कैसे बेच रहे हैं ये, मैं रेड़ा सरकार से कहता हूँ, खट्टर साहब थे पहले 70 से तो भाई हैं, कुर्सी सारी उम्र नहीं की है, कैसे क्या हुआ अब हमारे यहाँ 2000 भी है, कहते प्रधानमंत्री साहब सबके आएंगे, हमारे बताओ नाडे पे किसके आए जी, आए नहीं किसी जिम्मेदार साहब, हम 4-4 दफा अप्लाई कर दिए हैं लेकिन हमारे कोई 2000 रुपया नहीं आया, हमने क्या बुरा करा भाई, यहाँ पे पेमेंट हमारी नहीं हो रही, मैंने 2 दिन इंतजारना भी दिया था, उल्टा कहते ये करा देंगे वो करा देंगे, वहाँ सेक्टर कलेक्टर है उसमें, अगर हमारे कहते डिस्प्यूट है, अगर स्टे है तो स्टे जिम्मेदार के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी है, ये तो कानून जनाब आपको पता है, हम बेशक अनपढ़ है, कानून तो दोनों पार्टी के लिए होता है, पहले सरकार प्लाट कैसे बेच रही है, आईडी भर के कहते हैं सामने जमीन है, आप भर के कैसे बेच रहे हो उसको, उसमें होटल बेच रहे हो, आईडी भर कैसे काट रहे हो भाई, डिस्प्यूट उसको पेंडिंग रखो, सर 31 में आ जाओ उसमें, अभी 10 करोड़ के बूथ भेज दिए उन्होंने, ये बूथ कटे मेरे घर के सामने, हमारे 18 के ऑर्डर हो चुके हैं, आधी पेमेंट के हमारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सरकार नहीं दे रही भाई, कहाँ तक जाएंगे आप, गलियाँ आधी बन गई है, स्पीकर साहब ने बार बार कहता हूँ सेव किया, लेकिन आगे अफसर भी थोड़े हो रहे हैं, आधी हमारी फिर नहीं बन गई, आधी पड़ी है अभी काम, हाँ आधी सिवरे पड़ी है गाँव में, गली में जाके देखोगे आप तो चलो चलते रहते को काम नहीं होता है, लेकिन जो हमारी जो दुर्दशा करी हुई ना सुनने लगने जनाब, गाँव में बढ़ के देखो जाके 2018 में हमें पैसे मिले होते कितनी वैल्यू हो गई जनाब, 24 हो गया है, हमारे दिल को पूछ के देखो हमारी जमीन को हुई है, सरकार हो गया है 400-500 करोड़ रुपया हमारा, हम किस घर के घाट के रेपर वाली जमीन है मेरी, ये कहते ना सबका साथ सबका विकास, जमींदार की आयु दुगुनी करनी है, 2 साल पहले जहाँ बीमारी पड़ी थी ना 16 एकड़ जमीन मेरे पास मेरी पड़ी और भाइयों की, मेरे मैं बेचता हूँ उसको जनाब, बीमारी पड़ी थी, मैंने ऑनलाइन पैसे देके भी कराई सारी, कहते आप ऑनलाइन जो कराओ जी इसका आपको पैसे देंगे, बताया सरकार मुझे 1 रुपया मुझे दिया हुए, बताओ मोदी साहब मुझे हरियाणा सरकार बताए कि गुरिंदर सिंह को हमने 16 एकड़ में आपको 1 रुपया दिया हो, 10 साल में मुझे बताते कि 1 रुपया दिया हो, कहते हैं जमींदार का विकास करना है, हम उसे पूछे मेरे सामने आओ, कोई भी है बीजेपी के लीडर मेरे सामने आए कि गुरिंदर सिंह आपको प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं किसानों को पैसे आ रहे हैं, बताओ जरा हमें नाडा साहब में लिस्ट लिस्ट कर साहब से, नाडा साहब में सारे जमींदार है किसको कितने पैसे आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आया, कुछ लोग जहाँ बैठे यहाँ 4-4 दफा हमने ऑनलाइन करवा दिए जनाब, पहले पैसे कोई नहीं आ रहा है, रहेगी सेक्टर की बात जरा, हम नहीं कहते सेक्टर वाले, तो कहते चलो कई दफ़ा गाँव वाले हैं, उसी टाइम मैंने सेक्टर के पार्क ये साथ लग रहा है ये चैनल पक्का पार्क हमने सारा मैंने करवा के गुप्ता साहब से ऑर्डर कर रखे है, पर बीच में थोड़ा ऐसे हो गए सेक्टर वाले के लिए गाँव वाले को अलग रेट दो, कोई बात नहीं जनाब, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है कि गांव वाले लग रहेंगे, है तो सभी हिंदुस्तान के लोग हैं, गांव वाले लोगों का भी धार कार्ड हिंदुस्तान का ही है, आप ये ना कहिए कॉपी मेरे पास पड़ी है, आप साथ लेके चलिए इनको साथ लेके चलें, कॉपी मेरे पास पड़ी है, उसमें स्पीकर साहब ने ऑर्डर करे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑर्डर करे हुए हैं, डीडीपी ऑर्डर है, सब साथ लेके चले एग्रीकल्चर के पास के मैडम गई हो करे वहां पाने का, ये सड़क बनाई जनाब मैंने बनवाई है डिपार्टमेंट में, वैसे 16 साल में रोड नहीं बना लेकिन मैंने बनवाया, क्यों गवर्नमेंट की सहायता करेंगे तो डेवलपमेंट गांव की, हमें तो किसी से क्या है, हम उड़ रहे हैं, हमने क्या रिजल्ट लाना, हमारे 4 पैसे जहाँ हमें मिलते हम कहाँ जाते हमारे स्कूल हमारा नहीं पढ़ रहे, अब बताओ 2 साल में हमने स्कूल की निशानदेही कराई है तो क्या तुके पढ़ देना, मेरे को मारने की धमकी आई, मैंने एफ आई दर्ज कर रखी है लेकिन कोई विश्वास नहीं हुआ है। जो देखिए इन्होंने अपने दिल की बात प्लेटफार्म पर कही है और जो इन्होंने काम भी बहुत कराए हैं और कामों को भी इन्होंने कहा काम अच्छे कर रहे हैं
और इनके जो जो कुछ गिले शिकवे हैं अंतरात्मा से इन्होंने प्लेटफॉर्म पे उठाए पेमेंटों की जो इनका वाजिब हक बनता है। अब हम बात करेंगे, आइए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह है। बलदेव सिंह जी, इन्होंने अपने दिल की बात कर दी। अब आप बताएं आपके गांव में कितना डेवलपमेंट हुआ? कुछ भी नहीं होया यहाँ तो। हमारी जमीनरी जो थोड़ी थोड़ी वो भी एक्वायर कर लिया, इतना पैसा। जमीनों के अलावा, जमीनों के अलावा ये बताइए, कोई बच्चा सब बेरोजगार है यहाँ? अच्छा, हाँ। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने बड़े बंदे लगाए। बकवास, झूठ बोल रही सब। नाडा गांव से कितने बंदे लगे हैं? कोई भी नहीं लगे, कच्चे पक्के डी सारे जो कोई भी नहीं है यहाँ का लगे, ना कच्चा ना पक्का, सब बेकार है, बेरोजगार है। क्या नाम है आपका? बलजीत कौर। बलजीत कौर। बलजीत जी, आप ये बताएं कि आपको क्या फेस मुश्किलें हो रही हैं, ये बताइए पहले, और ये बताइए कि आपके यहाँ पर सरकार ने कौन सा एक काम किया है और कौन सा काम अधूरा रह गया? काम तो बहुत अच्छे किए हैं जी। हाँ जी, जैसे यहाँ पे सीवरेज भी डलवा रहे हैं, कुछ पेंडिंग पड़ी हैं। हाँ जी, तो वो पूरी होनी चाहिए। हाँ जी, और जो हमारी ज़मीनें एक्वायर की थी, हमें उनका तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। मेन मुद्दा जमीनों का? हाँ जी, मेन मुद्दा यही है जी। हाँ जी, और बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं जी, कोई रोजगार नहीं। मेन आपको लगता है कि बेरोजगारी है, जमीनों की दिक्कतें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है आपको सारी? अभी तो नहीं, छोटी सी डिस्पेंसरी है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक आपसे मैंने एक चीज पूछनी है सबसे, कि जो उज्ज्वला योजना है सरकार की, केंद्र की, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है किसी को? तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा जी, फ्रॉड है जी, फ्रॉड है जी। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा जी। अच्छा, जो वो क्या कहते हैं ये उज्ज्वला योजना होगी, और जो कहते हैं जो लेडीज को पैसे मिलते हैं, जो पेंशनें होती हैं, वो मिल रही है टाइम पर? हम आता जी आपको। हाँ जी, अच्छा, और गांव के लिए कोई विकास नहीं हो रहा जी, सब बेरोजगार है। गांव की गलियों में जाकर देखना कितना गंद पड़ा हुआ है, सीवरेज के आधे कनेक्शन कर रखे हैं, आधे नहीं कर रखे हैं, और जो खाने के लायक है उनको राशन कार्ड भी दे रहे हैं, जो गरीब है उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जे आधा ज्यादा ऐसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई काम एक नहीं गाँव का अच्छा हो रहा, गरीबों के काटे जा रहे हैं राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, अमीरों के आयुष्मान कार्ड। आप आइए, आप आइए, बैठे आइए, आप आगे आइए, आइए, हाँ आइए। जैसे सर, कैमरा में देखिए, आइए आइए। आयुष्मान कार्ड अमीर लोगों के हैं, गरीबों के नहीं है। हमारे जैसे घर जाके देखो, हमारे राशन कार्ड भी काट रखे हैं। इन्होंने मुद्दा उठाया, देखिए बहुत बड़ी बात की है कि आयुष्मान कार्ड अमीरों के बन रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के नहीं है। वो तो आपके लिए फैसिलिटीज है सर, देखेंगे आप, चेक करोगे, है ही नहीं है लिस्ट में, नाम ही नहीं है, और ताकि आधार कार्ड सब कुछ मांगने के टाइम दिया हुआ है, जब वहाँ जाते हैं आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में। देखिए इस बहन ने क्या भावुक होकर ये अपील की है। अरके जी, कैमरा इनकी तरफ घुमाइए, बहन की तरफ। इन्होंने ये की है कि इनको राशन कार्ड मूलभूत सेवाएं नहीं मेरी, एक तरफ सरकार कह रही है हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो वो बीच में कहाँ चली जाती है? हमारे गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, जो फैसिलिटी अमीर लोगों के लिए है, हमारे गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, वो आपको वो भी नहीं मिलता, क्या कहते हैं 5 किलो आटा जो देते हैं? कुछ नहीं है सर, आप एक्चुअली हमारे सर घर जाके देखो, आप बोलोगे कि सच है कि जो इनके सब के ना राशन कार्ड कटे हुए हैं, जिनके राशन कार्ड गरीबों को, वो बोल सकते हैं जी, वो बोल सकते हैं, हम गरीब है ना, हम बोल रहे हैं, जिनके बने हुए वो नहीं बोल सकते। इस वक्त इलाज करा लेगा गरीब, कहाँ से कराएगा, वो तो मर के ही जाएगा। एक्चुअली कोई बीमारी से घोषित हो जाए इंसान, वो कहाँ जाएगा, उसके पास तो आयुष्मान कार्ड नहीं, 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 जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने आयुष्मान कार्ड जो बनाए हैं ये गरीबों के लिए बने हैं। हमारे लिए नहीं है सर, गरीबों के लिए नहीं, वो अमीरों के आयुष्मान कार्ड है, वो अभी किन की सिफारिश है, हमारे नहीं बने जी है। जो काम हो रहे कोई राशन कार्ड उसके बने हैं, अगर जाते हैं अप्लाई करवाने के लिए, पहले अपना मीटर नाम करवाओ, जमीन नाम करवाओ, तब आपके राशन कार्ड बने आए जाएंगे, ऐसे आपके राशन कार्ड नहीं बनेंगे। इतने चक्कर कटवाते हैं सर, कहाँ जाएंगे पहले बताओ, जब गवर्नमेंट हमारे जैसे गरीबों की मदद नहीं करेगी, फिर किस चीज की गवर्नमेंट? नहीं, मोदी जो कहते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं करा सर। हाँ जी, हुई मदद? हाँ जी, हमारी जो नदी है ना, इसमें जी वो होटल से जो गंदा पानी आता है वो मैटर था, वो की मदद हो रही है, हाँ या ना? नहीं हो नहीं रही, नहीं हो रही है, बस जी दे रही है सरकार, नहीं एक पेंशन पोर्शन मिल रही है सबको, पीने के लिए पानी नहीं आता यहाँ पे, एक घंटा भी पानी नहीं आता हमारे गांव में, एक घंटा पानी नहीं आता, जब बंद हो जा। हाँ जी, अब इनकी बात सुन ली है सबकी। अब जाकर साहब आप आइए। हाँ जी जाकर साहब, आप चेयरमैन रहे हो, आइए इनकी बात सुनिए। हाँ जी बोलिए, हंसना ये। सबसे पहले तो गांव के विकास स्पीकर साहब ने बहुत किए हैं, सीवरेज का काम था तकरीबन नाडा साहब का कंप्लीट हो चुका है,
कुछ एरिया है ये लेडीज आप इनके सामने कैमरा मारना, हुआ या नहीं हुआ? है नहीं है ना रूपी दीदी, हमारी साइड से प्रेस नहीं है। घर के लिए किसी को स्पेशल एक घर में अंदर जहाँ गली है वहाँ तो कनेक्शन तो आप करना पड़ेगा कि सरकारी कनेक्शन करके देने, कनेक्शन तो आप करना पड़ेगा। और रही बात, कुछ पोर्टल के ऊपर दिया गया है कि आयुष्मान कार्ड तक हमें कितनी इनकम होनी चाहिए, वो तो अप्लाई हमने करने हैं, वो तो हमने सरकार ने तो नहीं अप्लाई करने हैं, वो तो खुद ने वो खुद करना पड़ेगा। सुन लो जी एक मिनट रुक जाओ जी, जिनके राशन कार्ड कटे हुए हैं, अगर कोई किसी का बच्चा पब्लिक इसमें कौशल में है, नेचुरल सी बात है उसका राशन कार्ड कटेगा। बहन जी आपके सामने ही है, हाँ जी बताइए जी। चलो जी हमारा तो उस वजह से कटा है सर, स्पीकर साहब के सामने इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इनके सासू माँ का कटा हुआ था, तुरंत स्पीकर साहब ने लगवाया नहीं लगवाया था एक मिनट हाँ आपका बना था कि नहीं? हाँ या ना? मेरा तो जी कट गया है जी, मम्मी का बना हुआ है, सासू माँ का। इनके हस्बैंड कौशल में लगे या नहीं लगे पूछ लगे आपके चलो जी मेरे को आप ये बात नहीं नहीं आप इन्होंने कहा कौशल में लगे हाँ या ना? हाँ या ना लगे हुए मेरे पास? हाँ या लगे हैं लगे हैं लगे हैं लगे हैं हाँ जी माता जी। हाँ जी ना इस मुंडे ने ना दर्शन है उपले पिंड का साढ़े पड़ोसी, इसने कमेटी सेंटर में आए थे सारे आए थे, वो इसने कराया था अभी घूम फिर के भी लिख पाई अभी थारा राशन कार्ड बन जो नहीं बने आज तोड़ी नहीं बनवा देना। सुन एक जो रह गए हैं मेरी बात सुनो, नहीं बनी देख लो आप जाके देख लो, जस्ट एक मिनट चलो गली में चलो जी हमें दिखा मैं एक मिनट रुक जाओ सुनो जी जस्ट पहले मेरी बात सुनो जनता के बीच में हम। हाँ जी अब बेटे देखो बात सुनो बात सुनो बात सुनिए जी, माता जी एक मिनट आप अपना पक्ष रख रहे हो, इन्होंने जो काम किया इनका भी हक बनता है ना बताने का, ठीक है ना? देखो देखिए 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 सुनो और रही बात है जैसे कि बरसात का पानी आंदा था इनके इधर घरों में बारह की तरफ। हाँ इनको समय दे, आपको समय मिलेगा। स्पीकर साहब को अपने सेक्टर 23 में जनता दरबार में एप्लीकेशन दी थी आप, बिल्कुल बिल्कुल, और वो पास हो चुके हैं और आचार संहिता के बाद वो काम लग भी जाएगा। चलो ठीक है नहीं कह दिया इन्होंने, मैं हम फिर आएंगे माता जी, हम फिर आएंगे बाहर कहनी है फिर आएंगे आपसे पूछ कर जाएंगे। आगे साडा पिंड हुण जाके देख लो साडी होदी बननी थी ता साडी सेवरेज चालू होनी थी, ऐसे है ऐसे है, हम फिर आएंगे आपके पास, अगर ये झूठ बोलेंगे तो फिर माइक में बोलोगे ठीक है नहीं बाजी, हम फिर आएंगे आपको छोड़ कर जाते अभी चलेंगे अभी चलेंगे सब चलेंगे। अच्छा अब आप ऐसे हैं आपका अब नहीं बना एक मिनट माहौल काफी गर्म हो चुका है नाडा और गांव के अंदर, कौशल विभाग में हमारी फैमिली में तो कोई कौशल विभाग में है नहीं है, फिर हमारे क्यों राशन कार्ड कटे, हमारे क्यों नहीं आयुष्मान कार्ड बने? तो इनके राशन कार्ड कट चुके हैं बेटे हैं। हाँ अप्लाई किया आपने? पीले कार्ड बने? पीले कार्ड कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल नील है। अच्छा पहले बना हुआ है। इन्होंने इल्जाम लाया सरकार पर कि इनके कोई कार्ड नहीं बना, लाल पीला चिट्टा कोई कार्ड नहीं बना, ठीक है ठीक है। बात सुनो भी अब ऐसे है, आपकी बात सुन ली आपके पास फिर आएंगे, अब हम जाखड़ साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं। ये जो मुद्दे है इनके आपके नोटिस में है जी? हाँ कुछ है मेरे नोटिस में। तो आगे कोई आपने कार्रवाई की इनके साथ मिलकर? नहीं इनके साथ में मिलके जैसे ये नाला चैनलाइज होना था तो ये भी साथ में थे, हमने रिपोर्ट भी किया है और ऊपर से ये पास भी हो गया है क्योंकि ये पहले भी एक बार स्टार्ट होने के लिए वो आए थे तो गांव वालों ने मना कर दिया था। अच्छा बाद में गांव वालों से बात हुई कि भाई एटलीस्ट जो भी काम होएगा वो आपके भी फायदे में सेक्टर के भी फायदे में, तो अभी ये गांव वाले भी एग्री हैं कि हाँ भाई ठीक है होने दो, ठीक है नाला अगर चैनलाइज हो जाता है क्योंकि उस साइड में हमारा एक पुराना मंदिर है तो मंदिर के आगे से वो चैनलाइज हो गया है तो वो पानी घूम कर सीधा सेक्टर, क्योंकि ऐसा पानी है तो देखे ना शहर गांव तो पानी देखेगा नहीं, पानी तो अपनी रफ्तार से चलना है, ठीक है आप एक काम कीजिए देखिए मैं सजेशन दे सकता हूँ आपको, आप एक ना गांव की और इस शहर की ज्वाइंट कमेटी बना लो,
ठीक है ना, उसमें पता है गांव के भी होंगे, शहर के भी होंगे, आप भी होंगे, सभी होंगे, उसमें ना आपकी प्रॉब्लम दोनों की इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्यों गुरविंदर जी, देखो हमारी राय, हम राय दे सकते हैं, बाकी आपने हाँ। अच्छा, ये क्या सेक्टर नहीं, प्रधान जी बैठे, प्रधान जी आपके आगे खड़े हैं, आरडब्ल्यूओ के, एक मिनट, एक अंजलि जी, एक मिनट, बात सुनिए, बात सुनिए, ये आरडब्ल्यूओ के अध्यक्ष जी एक मानेंगे, जरूर जरूर, ये बात है कि सब इकट्ठा ही विकास होगा। सेक्टर 31 जो है वो नाडा गांव से अलग नहीं है, वो हम ही आपका ही पार्ट है। 9 साल को छोड़ दो, अब छोड़ दो 9 साल को। बोलना चाहूंगी ये तो प्रश्न, एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगी, हम 2011 से सेक्टर के, मेरा घर सेक्टर में दूसरा घर है, ये पूरा ग्राउंड पड़ा था, गुरुद्वारा तक दिखता था, हमें सेकंड हाउस हमारा बना था सेक्टर में, हम आज तक ये गांव के खड़े हैं इधर, किसी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमने कभी किसी को बाधा दी हो, बता सकते हो आप, हमेशा भाईचारे के साथ में हम चले हैं, किसी के साथ हम नहीं अड़के चले, सबका इकट्ठा ही, तो आप इनसे पूछो कि हम किसी गांव के, अब हमने पूछना पाछना नहीं है जी, हम तो बात कर रहे हैं कि ऐसे कमेटी बन जाए जाकर साहब, ठीक नहीं बाजी, ताकि एक आपकी सिस्टम बन जाएगा, ठीक नहीं बात, बिल्कुल, अकेले अकेले जंग लड़ने से अच्छा कल इकट्ठे मिलके लड़े, ज्वाइंट में लड़े, ठीक है ना, बाकी आप डिसाइड करना ना, आपके आप डिसाइड करना आपने, नहीं जैसे नाला चैनलाइज के लिए बात थी, मैंने खुद बात की गाँव वालों से, आके भाई इस काम को हो लेने दो, क्योंकि नहीं तो ये बहुत पहले हो जाता। अच्छा जी, वो किसी कारणवश वो रुक गया, अभी फिर रिक्वेस्ट किए तो शायद अभी ये फिर चालू होगा। फोरा फॉर्म के, पंचकुला के सभी आरडब्ल्यूए जो एसोसिएशन है, माता जी एक मिनट बेटा, आरडब्ल्यूए जितनी एसोसिएशन है उनके हेड हमारे बीच में श्री आरपी मल्होत्रा जी हैं। मल्होत्रा जी आपका सबसे पहले स्वागत। हमने जून में सेक्टर 31 का इनकी प्रॉब्लम्स का एक फीचर अखबारों में निकाला था, बहुत से इश्यूज इनके नोट हुए थे, जहां पर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है वहां पे सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे कई शिकायतें आई कि इनके जो पार्क हैं वहां पशु बंधे हुए हैं, यहां पे एक दीवार करने की कोशिश की गई, उसको भी गांव वालों ने तोड़ के उसके रास्ते बना लिए, लेकिन इन सब के चलते मैं दो मुद्दे यहां पे जो बहुत मेजर मुद्दे हैं मैं उनको लेना चाहूँगा। नंबर वन है स्वच्छता। स्वच्छता में गांव इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना सरकार का रोल इन्वॉल्व है। सीवरेज की गाड़ियां जो गंदा सीवरेज निकाल के लाती हैं वो पंप आउट करती हैं यहाँ पे आके घग्गर के बेड में, और वो गंदगी जो है इनको झेलनी पड़ रही है, उसकी बदबू झेलनी पड़ रही है। सिक्योरिटी के नाते सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी। अंडर डेवलप सेक्टर है, डेवलपिंग है, इतना कहीं कहीं मकान बना है, सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है, पार्क मेंटेन नहीं है। बहुत से मुद्दे हमने लिए थे लेकिन सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया है, ये मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन यहाँ तक आज जो शिकायतें सुनने को मिली हैं उसकी बात है तो सरकार ने बहुत काम किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल मुद्दे आज इस इलेक्शन में आगे नहीं आने चाहिए, आज जो ज़रूरत है देश की उसके ऊपर बात होनी चाहिए। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो सरकार ने काम किया है वो पहली सरकारों ने किसी ने नहीं किया नहीं है। तो मल्होत्रा जी ऐसे है कि आपने आरडब्ल्यू की बात की है तो ये भी अपने हमारे बिल्कुल अपने, देखो हम सब गांव से निकले हैं, तो आप जो हमने सजेशन दी है तो वो सजेशन अगर आपको अगर आपको ठीक लगता है तो उसको आप अमल कर दो, अच्छा रहेगा, ये भी साथ लगेंगे आपके। ऐसे है, पंचायत इनकी होगी, इनके दो चार बंदे और इनके दो तीन बंदे की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, संपर्क कमेटी बने, जो कॉमन मुद्दों को साझा बैठ के हल करें, क्योंकि रहना हमने मिलजुल के है, हमारे लिए कोई गांव वाला नहीं, कोई शहर वाला नहीं, हमने मिलजुल के रहना है, और अगर मिलजुल के अच्छे रिजल्ट निकल आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, एक एग्जांपल सेट होगा। मैडम ने बहुत काम किया है, अपने हाथ कूड़े उठा के इन्होंने रेडियां भर भर के भेजी हैं। तो अब हमारे बीच में अपने जो सेक्टर आरडब्ल्यूओ सेक्टर 31 के जो अध्यक्ष हैं मैम,
वो कुछ बात कहना चाहेंगे? मैंने बोली है दो शब्दों में, बस इतना ही कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी कि हमारी एक एनजीओ है जो हम रन कर रहे हैं, उसका नाम है इरादा। उसमें हम सारे सेक्टर की, गांव की, जिस जिस कोई कॉर्नर में हमें दिखता है कूड़ा, हम सफाई करते हैं, खुद भी करते हैं, एमसी की हेल्प भी लेते हैं, एचएसवीपी की भी हेल्प लेते हैं, सारों की। तो अगर आप में से कोई भी गांव में, सेक्टर की बहनें हमारी सारी, ये भी कर, हाँ, कोई हमारा मेंबर बनना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इरादा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि हम अपने सेक्टर को सबसे सबसे सुंदर सेक्टर बना सकें। इस पंचकुला शहर का इतने सुंदर पहाड़ और नदी के बावजूद अगर हमारा सेक्टर सुंदर ना बन सके तो फिर क्या फायदा? देखिए कितना अच्छा संदेश दिया है। और इनके ये मेखला अभी 15 दिन ही हुए हैं इनको बने गए, लेकिन इनके जो इरादे हैं, इन्होंने यही बता दिया कि मैं इरादे के ऊपर काम कर रही हूँ। इनके एनजीओ इरादा पर है और इनके इरादे भी बहुत नेक हैं कि सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? जल्दी बोलिए, दो मिनट में। जी, अशोक कुमार। मैं यहाँ पे रहते लगभग 5-6 साल हो गए। मैं देखा है कि यहाँ पे कूड़े का बहुत ज्यादा प्रभाव कर दिया उन्होंने, कर दिया, कर दिया। मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक चर्चा कहीं होती नहीं। मैं इस बारे में नगर निगम के जो महापौर से भी मिला था कि यहाँ पे कूड़े में आग लगा दी जाती है। अब हाल ही में यहाँ पे वो कूड़े से परे, वो गाँव के उधर है, इस गाँव के चारों तरफ कूड़े में आग लगा दी जाती है। मैंने यहाँ पे अधिकारियों से मैं बार बार मिल चुका हूं, लेकिन इस बारे में कोई समाधान की बात नहीं करता। दूसरे यहाँ पे पशु आवारा बहुत घूमते हैं। क्या कह रहे थे सारी बात तो? निचोड़ बताइए। निचोड़ ये है कि हर नड्डा साहब के तकरीबन 70% काम हो चुके हैं। सीवरेज जब डल जाती है, आपको पता है कि गलियों की टैलियाँ उखड़ जाती हैं, उसको बनाने के लिए उसका टेंडर लगाने के लिए टाइम तो लगता है, बिल्कुल वो लगेगा, थोड़ा वो टाइम अभी और लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हमारी जो गांव की गलियां हैं वो भी, स्पीकर साहब कह रहे हैं वो शीघ्र ही वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। दर्शन सिंह जी, आप माता जी, आपका बच्चा ही है, आपके गांव का है। माता जी, ये आपके गांव का ही बच्चा है, ये कुछ भागेगा, ये कहाँ भागेगा, हम फिर आ जाएंगे इसके पास, कहाँ जाएगा ये बताओ दर्शन सिंह, कहाँ जाएगा? हाँ, चिंता ना करो, सब कुछ होगा, सारा कुछ होगा, चिंता ना करो। मैं एमसी नो कर रहा ना, फोटो खींच के दे ही है, बीच में बंदे ने ऐसे बोलिया करे, ऐसे गली नहीं बननी चाहिए थी। जाके देख लो, हम दर्शन सिंह भी माता जी को दिक्कत ना आए, बस ये है कि इनको पता है जी, किसी भी काम को हम करते हैं जो अधिकारी चैनल होता है। कि पहले जब हमारा सेक्टर एक्वायर हुआ था, हमारे गांव में बिल्कुल भी रास्ते नहीं थे। सबसे पहले जो हमारा ऊपरला नाडा है, पूरे सेक्टर जो अपना नाडा साहब का जो ऊपरला गांव था, उसको स्पीकर साहब ने 11 फुट की फिरनी पूरे ऊपरला नाडा को दी। चलो ऐसे, उसके बाद अपना निचला नाडा साहब के भी ये खड़े हैं, इनके सामने ये खड़े हैं, देखिए इनको भी बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया है और ठीक है। और इस जो अब इस गाँव का रास्ता है, अब जो इस गाँव का है वो भी शीघ्र ही बीच वाला नाडा और निचला नाडा, ठीक है, इसकी फाइल भी चल चुकी है जी। धीरे धीरे जैसे जैसे हर डिपार्टमेंट में जाएगी वो भी रास्ता। चलो ऐसे करना, आप एक काम करो, देखो माता जी, देखो सॉल्व हो गया सारा कुछ, अर्थ प्रकाश हर जगह मुद्दे नहीं उठाता, ये प्यार भी बांटता फिरता, देखिए। और मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा आज नाडा गाँव और सेक्टर 31 की चुनावी चुपाल के अंदर अपने कैमरामैन केजी के साथ, धन्यवाद।